मध्य प्रदेश के जवान गिरिजेश कुमार उदय भारत बांग्लादेश सीमा पर उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। वह मंडला जिले के रहने वाले हैं और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान के रूप में उत्तर त्रिपुरा के कंचनपुर में तैनात थे। शुक्रवार को एनएलएफटी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के संदिग्ध उग्रवादियों ने अचानक सैनिकों पर हमला कर दिया, जिसमें गिरिजेश को 4 गोलियां लगी थी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीएसएफ 145वीं बटालियन के सिपाही गिरिजेश के शहीद होने पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री चौहान ने शहीद उदय की आत्मा को शांति और परिवार को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की। आतंकवादियों से लड़ते हुए माँ भारती की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए गिरिजेश कुमार उदय, जो मंडला जिले के चरगांव के निवासी थे, ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। वो बीएसएफ में थे, त्रिपुरा में पदस्थ थे और भारत और बांग्लादेश की सीमा पर सीमा पार करके आए हुए आतंकवादियों से वे लड़े, जूझे और शहीद हो गए। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ।